हम टैक्स नहीं दे सकते, गरीब लोग बहुत इधर कटे हुए हैं। हम जो भी लेते हैं हर चीज़ का टैक्स देते हैं, जो ईट लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो सीमेंट उसका टैक्स देते हैं। हमारा टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जो हम चूड़ी भी पहनते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो बिजली का उसका टैक्स देते हैं। हम क्यों इतना मार पा रहे हैं गवर्नर साहब जी, मार रहे हैं हमें? हमें टैक्स नहीं देना चाहिए। गवर्नर साहब जी यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा टैक्स माफ़ किया जाए। जम्मू कश्मीर वास्ता जो थोड़ा प्रॉपर्टी टैक्स वास्ता लाया प्रोटेस्ट किया, इन्हें पूछा जाए कि पहले तो तुम्हारी गालियां डालियां ठीक नहीं, ऐसे गलियां बार 10 बिच ला लो, 21 बार बिच तू जिन्नी भी गलियां ला टोटल होना है, और 80% जिन्हें नक्शा पास नहीं होता अज तक उन्हेंगी किया टैक्स लगी सारा। मैं पूछना चाहता सेंटर गौरमेंट की और स्टेट गौरमेंट पूछना चाहना ही, लोगों बना रहे बेवकूफे एना फसली बटेरे। भारतीय जनता पार्टी जरा भी कानून लागू लाती और गरीबे हक के पिछले बिल्कुल नहीं होता। अज डेट में गरीबे की सिर्फ गुमराह किया जाता है, साल मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स पर। प्रॉपर्टी टैक्स मैं पूछना चाहना कि अज तक थोड़ी नालियां गलियां पक्या नहीं, सड़क पक्या टूटी गई, अजक डिवेलपमेंट कुछ नहीं, तो प्रॉपर्टी टैक्स तुम कि ला सकते हो? जिन्हें तकर आम आदमी पार्टी अगर इतने पर उन्हें लाने की कोशिश करगा तो ही अगर अंदोलन करना पौधा अंदोलन भी करके। और मैं मीडिया माध्यम कहना जरूर कहना चाहना कि जगह बच्चे सेंटर बच्चे जरा फरमान लागू होता तो सारे स्टेट आए जिन्हें चिमटे करा तो वो चिमटा नहीं होता, इं उसी वो करते। कम से कम दिखो तो सही तुम्हें तो इतना गरीब जनता कि महंगाई इन्नी बढ़ी गई, पीले के लोग पी लेंगे थमाई लोग गरीब तबके तक ताकि गरीबे तक प्रताड़ना की जिंदगी आज डेट। मैं पूछना चाहना एल जी साहब जो जम्मू कश्मीर के वो तो सिर्फ मैं आखना भी सिर्फ काजू बदान खा खाने वास्तव आ देना, उन्हें पता कख नहीं इस डेट बच्चे भी सारा जम्मू कश्मीर कि कगार बच्चे खड़ा है, जरा पीले बिल कु पुजी गए, महंगाई कुत्थ पुजी गए, हूँ प्रॉफिट टैक्स कटी दिता और थोड़ा ये सारी स्टेट साड़ी है। हूँ बारह लोगों साढ़े पर राज कर रहे हैं, जो बारह आइए चुप्पी बाहर दे बेही जाए इतने सारे राज कर सकते हैं, नहीं हो सकता। अभी इसका विरोध करने हैं और जिन्ना भी सारा जम्मू कश्मीर का जिन्हें भी अगर लोग ने जम्मू कश्मीर एक बिना गया सारा कट्ठा ही है, सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाईचारे खत्म करने की कोशिश बिल्कुल करो, अभी कट्ठे हैं। जय हिंद जय भारत। कारण किया जाता है कि जी एल जी गौरमेंट है ना, इन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत तंग किया है, बेवकूफ बना देने इन गौरमेंट ने एल जी ने गल के नींबू और लेखा नचोड़िया रखी था सारे लोगों के। आखते गौरमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लैना ये को प्यो वाले जी विरासत थोड़ी है, ये साढ़े माँ बाप के साढ़े दादे परदादे महाराजा हरी सिंह साढ़ा प्यो है, असर उन्हें साढ़े को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया। यह यूपी बिहार का चुकी है, यह चार बारी हरा दा धोइया साढ़े सिरे पर बिठाए, साढ़े लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं मिलना, जो मर्जी करो आम दे 2024 दसने आने फिर प्रॉपर्टी टैक्स तो कि लेंदे प्रॉपर्टी टैक्स तो लोग गुमराह कि करते हैं। गौरमेंट प्रशासन आखने अगे आखना चाहना कि इन्हें गरीब लोगों नहीं परेशान करो, उन्हें को ठंडी सीस लगो बद सीस मत लो, थोड़ा नहीं रहना कुछ भी तो असें लोगों नहीं छड़ना है, ये गल थोड़ी इं ध्यान कन्नै रखन। रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बार बार तुम असें आखने 2024 का इंतजार करो फिर देखो कि बनता, जेडे असर 25 नुमाइंदे चुनिया मोहरे भेजे ना इन्हें अपने घर बनाए ने, पब्लिक ने कुछ नहीं किया, उत्तर इं चुप करें चुप इं बाबा नहीं बनते जो तू नहीं लाइया इस जल्दी बेही देने कख नहीं बोलते, इधर जनता ही कुछ आखते हैं तो वह भाई वालियाँ कुछ पाते हैं, ऐसे जनता सब जागी उठती है, असें उन्हें जागी दी अखा खुली दी अगे नहीं होना चाहता, कुछ भी कर जी असें नहीं देना प्रॉपर्टी टैक्स साढ़े को सीधी दो टुक गल है नहीं देना, असें कर लोगों की खरे भलाई करनी है, असें मरना थोड़ी है, असें नहीं मरना जो मर्जी कर। देखो एक चीज़ और तुम्हें आखना चाहना मैं कि नहीं सानू नचोड़े यार बार बार क्यों तंग करा दे,
इन्नी धुप्प च असें इत्थै खड़े आं, कोई इ'यां नहीं है, बेवकूफ थोड़ी है। जय भारत जय। ये बीजेपी तानाशाही गवर्नमेंट कर रही है, हर दो दिन बाद यानी कि नया कोई प्रस्ताव ला के रख देती है जेएंडके यूपी के अंदर। क्या पहले लोग खाना नहीं खाते थे क्या? यानी कि 2012 की सरकार बीजेपी बनी है, उससे पहले क्या इंडिया जेएंडके गुलाम था, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? यहाँ पे खाना नहीं खाते थे, यहाँ पे रहते नहीं थे, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी। फ्लाई ओवर बनाने की क्या जरूरत है? 6 लाइन आपसे बनी हुई, फ्लाई ओवर बनाने की क्या जरूरत है भैया? आपको आम आदमी यानी कि भूखा मर रहा है, वो नहीं आपको आपसे देखा जा रहा। फ्लाई ओवर आपको चाहिए बड़े बड़े, ठीक है। एक बात, जीएमसी हॉस्पिटल में आता हूँ मैं, हॉस्पिटल भैया जीरो है इधर, ठीक है। बुचर खाना है एक किस्म का, अच्छा थोड़ा है बीपी इंक्रीज हो जाता है, 160 है बीपी हो जाता है पेशेंट का, डिलीवरी केस जम्मू रेफर, जीएमसी से जम्मू रेफर। अगर ये बताओ हॉस्पिटल से रेफर होगा जीएमसी, हो तो जीएमसी वाले कहाँ करेंगे इसको? ये वापसी में चाहिए भैया, एम्स प्रॉपर्टी टैक्स तो हम देंगे नहीं भाई। हाँ यानी कि 300 बम बम बोले वाली टाइम आ गया, हड़ताल क्यों ना करने पड़े हमें? हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना, जो मर्जी कर लो भाई। अगर आपके पास बल है ना, हमारे पास दम भी है, फिर हम देख लेंगे इंकलाब जिंदाबाद। तो एक पब्लिक सिविल लोग हैं हम, कोई सरकारी मुलाजिम भी नहीं है। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 में, सबसे पहले इन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे। जो भी हमारे नौजवान साथी थे उन्होंने ये उम्मीद जगी थी कि ये सरकार जब आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या आए? हर 50 किलोमीटर के ऊपर टोल टैक्स। किस चीज़ का टोल टैक्स लगा रहे हैं? नशा जो पंजाब में फैल रहा था अभी इधर आ गया। जम्मू कश्मीर में जब इनको सताया गया तो ये पत्थरबाजी करते थे, पत्थरबाजी खत्म हुई तो इन लोगों ने क्या किया? हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, वो नशे के ऊपर आ गए और नशा बेच रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग हथियार उठाएंगे और जम्मू कश्मीर के हालात को और भी बर्बाद करेंगे। ये किसी बाप की जगीर नहीं है, ये हमारे राजा की रियासत है। टैक्स की चीज का क्या? इन्होंने जब हम मकान बनाए थे इन्होंने हमें जमीन दी है, सीमेंट दिया है, बजरी दिया है, हमारी प्रॉपर्टी में टैक्स बढ़ते तो ये भगा नहीं सके। अभी हमारे पीछे पड़े हैं ये क्या कर रहे हैं? फौजियों का लूटा इन्होंने, कंटीन देख लो, किसी भी स्टेट में एक्साइज ड्यूटी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर 45% एक्साइज ड्यूटी है, आप पंजाब में चले जाओ 12% बैठा है, जहाँ पंजाब में 5% है और यहाँ 12% है। ये कौन से अच्छे दिन ला रहे हैं? ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी भी गांव में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है क्योंकि नशेबाज बाहर से आए हैं और यहाँ बेच रहे हैं। ये बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, वही प्रॉपर्टी, किस चीज की प्रॉपर्टी? तुम्हारे किसकी जगीर है? कौन है एल जी? हमें बना दो गवर्नर, हम राज करके बताएंगे, हमें भी सरकार चलाना आती है। इससे पहले भी सरकारें थी जिन्होंने आज तक किसी को तंग नहीं किया, चाहे फरूख साहब की थी चाहे पीडीपी की थी, उन्होंने किसी की जमीन नहीं छीनी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया और गरीबों का निजात फायदा उठाते हैं। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा मैदान में आ जाएगा, आपको जहाँ से भागना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।